सो हे यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आईपीएल 2022 मुंबई इंडियंस की टीम के लिए कुछ खासा अच्छा नहीं रहा। 11 मैचेस में मात्र 2 जीते यानी कि 4 पॉइंट्स है और -0.894 का इनका नेट रन रेट है और मुंबई सबसे नीचे बॉटम ऑफ द टेबल बैठी है। और इसके अलावा भी मुंबई इंडियंस की टीम के लिए काफी बुरी खबर यहां पर निकल कर आ चुकी है। मुंबई इंडियंस के स्टार बैटर सूर्यकुमार यादव आईपीएल 2022 से रूल्ड आउट हो चुके हैं। यहां पर ऑफिशियल स्टेटमेंट निकल कर आ चुका है, आईपीएल ने भी कंफर्म किया है, मुंबई इंडियंस की तरफ से भी ऑब्वियसली जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो बाहर निकल कर आ चुका है। सूर्यकुमार यादव इज आउट ऑफ आईपीएल 2022। यहां पर बात करें सूर्यकुमार यादव ने 8 मैचेस खेले हैं इस सीजन में जहां पर 303 रन उनके नाम पे है, 43.29 की उनकी एवरेज है और 3 हाफ सेंचुरीज उन्होंने मारी है। तो सूर्यकुमार यादव आईपीएल 2022 काफी अच्छा खेल रहे थे मुंबई इंडियंस की टीम के लिए। बीच में जब आए थे मतलब शुरुआती के मैचेस भी मिस कर रहे थे, उसके बाद जब वो खेलने आए थे तो एक अच्छी पार्टनरशिप वगैरह क्रिएट कर रहे थे मिडिल ऑफ द ऑर्डर कह सकते हैं। 2 ही तो बैट्समैन थे, सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा, दोनों ने ही अच्छा परफॉर्म किया है यहां पर। उसके अलावा कोई ज्यादा अच्छा मतलब बैट्समैन चला नहीं है मुंबई इंडियंस की तरफ से जो पॉइंट्स टेबल में ऑब्वियसली दिख रहा है। तो इसके अलावा आप देखते हैं मुंबई इंडियंस रिप्लेसमेंट तो यहां पर अनाउंस करने नहीं वाली, 3 मैचेस तो बचे हैं, 3 मैचेस ऐसे ही खेल लेंगे। इसके अलावा बात करें तो सूर्यकुमार यादव हैज बीन रूल्ड आउट फॉर मसल स्ट्रेन, उनको यहां पर लेफ्ट फोर आर्म में मसल स्ट्रेन हुआ है और बीसीसीआई ने उनको बीसीसीआई के जो मेडिकल टीम है उन्होंने रेस्ट एडवाइस किया है। इसके अलावा मतलब सूर्यकुमार यादव खेलना चाहते तो खेल सकते थे, लेकिन अब मुंबई इंडियंस भी बाहर हो चुकी है, कोई चांसेस है नहीं मुंबई इंडियंस के यहां पर क्वालिफाई करने के। तो फोकट यहां पर अगर मुंबई इंडियंस सूर्यकुमार यादव को खिलाती और सूर्यकुमार यादव खुद यहां पर खेलते रेस्ट नहीं लेते तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती। तो इसलिए यहां पर सूर्यकुमार यादव इज आउट ऑफ आईपीएल 2022 और मुंबई इंडियंस भी यहां पर खत्म हो चुकी है इस सीजन। सो बस मेरी तरफ से आज की वीडियो थी, अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना। बाय बाय, ठीक है।